अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस सेवन न्यूज़ में आपका सभी का इस्तकबाल है। मैं सैयद शहबाज, आइए देखते हैं आज की ये खबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शहबाज है, मैं एस सेवन न्यूज़ से बोल रहा हूँ। ये हमारे ख़वातीन हैं बेचारे आंटी, कुछ मदद के लिए आए। मेरे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनकी तकलीफ सुने और आप जो हो सका, ऐसा नहीं कि आप इलाज कराइए, ऐसा नहीं, आपसे जो हो सका इनके घर पे एड्रेस लीजिए, इनका नंबर है, अकाउंट नंबर है, एड्रेस उठाइए, आप लोग वहाँ जाइए, इंक्वायरी कीजिए, करके सो मालूमात करके इनकी हेल्प कीजिए। आइए आंटी की क्या तकलीफ है सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमेना। आप कब से अब प्रॉब्लम है तो ये है कि पेट में मेरे हड्डियाँ हैं जी, और मेरी माँ की हालत ऐसी नहीं है कि मैं ऑपरेशन करा सकूँ, क्योंकि डॉक्टर बोले कि हालत सीरियस है, कभी ज़्यादा फर्क सकता ऑपरेशन की जरूरत है आपको। मेरी माँ की हालत ऐसी नहीं है, मेरे शहर की है जो उनकी हालत ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया था उसका भी हमारे तरह का भी ज़्यादा काम नहीं कर सक रहे हैं। एक बच्चा है उसके पास किराए का घर है, किराए का ऑटो है अपना, उसमें क्या है ना बराबर तो खाने पीने में भी दुश्वारी हो जाएगी, किराया खड़े तक मेंटेनेंस खड़े तक। तो आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में गए हैंडीकैप की फैसिलिटी गई थी, लेकिन कोई वहाँ रिस्पांस नहीं दे रहे। तो नुसरत मैडम मेरे को लेके गए थे, सोशल वर्कर है वो, आप बेचारे सोशल वर्कर है, वो काफ़ी देखे फिरे लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, रिस्पॉन्स नहीं आया। और अभी हम नुसरत मैडम के यहाँ पर जाएंगे, मदद मांगेंगे बहन भाइयों से, सबसे कोई भी हो, मजहब से कुछ नहीं है, इंसानियत का रिश्ता सता है, सब आपस में बहन है, कोई भी हो मजहब का अलग नहीं है, जो कर सकते आप लोग मदद करिए, अल्लाह तुम यहाँ भी अगर मांग ही दे। ये मेरी फाइल है, अकाउंट नंबर है, बच्चा भी आप लोग देख सकते हैं, ये फाइल है इनकी। और अभी एक फाइल जो अब तक जो ट्रीटमेंट टी करा है, ये आप देख सकें कि पूरी ये फाइल, ये पूरे दवाइयों के हर चीज़ के यहाँ आप देख सकते हैं। आप लोग का फोन नंबर स्क्रीन पे आपको बताएंगा, इनकम नंबर और अकाउंट नंबर से कॉल कीजिए, एड्रेस दिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंसानियत के नाते आपसे हो सका इनकी बिचारी खवातीन की मदद है, क्योंकि इनको एक ही लड़का, उसमें भी किराए के का जो समा उनके ऊपर शर है, आप लोग मालूम है आज क्या है, घर के कैसे है, हर चीज महंगी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है परेशान हाल है, एक ही बेटा है और वो भी बेटे की आमद दी थी, किराया घर का किराया 8,000 रुपए, अब वो 8,000 रुपए नहीं आया, माफ करेगा बोलिए। गुजारिश है हिंदू मुसलमान से।